माता श्री भी आ गई है। घास का खतरनाक, घास में जाना पड़ रहा है मुझे, रास्ता भी भूल गई यहाँ का मैं, लोगों का घास तो खतरनाक रास्ते से जाना पड़ रहा है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी स्वस्थ हैं और एकदम मस्त हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो आजकल गांव में काम हो रहा है तो हम जा रहे हैं घास काटने, तो हम जा रहे हैं बहुत दूर। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कितने दूर जा रही हूँ। वहाँ से हमारा गांव तो नहीं दिखता, बट उधर से आगे के गांव दिखते हैं, जो कोरदा वाली रोड जाती है बीरूखल से, तो उधर मतलब जो गांव है दूसरे उसमें, तो वो दिखते हैं वहाँ से। तो चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। बिल्कुल मस्त नज़ारा है वहाँ से, उधर क्या बोलते हैं, डांग और जामरी कमडाई और मतलब गांव दिखते हैं बहुत सारे ही, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, देखिए ये नीचे हमारा गांव थोड़ा थोड़ा दिख रहा है अभी इधर, और इधर आगे के गांव दिख रहे हैं। ये जो रोड जा रही है आप देख रहे होंगे, ये जा रही है बैजरो को, जो ये थेल्स हैं। चलते हैं अब खेत की ओर। हाँ तो कोई वाणी, घास भी काट लिया ना कल लागू उच कदा काट घास। अभी देखा हम गांव से कदम मथी है छो, और इची हम चची और यू भाभी ची, और घास करना ची काटे आलू लेक पूड़े सवेर लेके आ गया हो गया। बाय कह जाओ जरा, बाय कर, हम दगड़ घास काट जा। अरे इन वाला घास काट जाए, आ जाए इन वाला कने। अच्छा मत ये, यहाँ पे भी भाभी लोगों ने काट लिया है और भाभी जी पेड़ के पीछे छुप रखे हैं। तो चलते हैं, हमें जाना है अभी बहुत दूर। यहाँ पे हमारे भाभी जी भी घास काट रहे हैं और उन्होंने अपनी उंगली काट दी है सुबह सुबह। अच्छा, और यहाँ पे भाभी जी भी काट रहे हैं घास। कदा काटे अभी शुरुआत है, और हमें तो जाना है अभी बहुत दूर, और अभी लगे हैं हम रास्ता। तो मैं जा रही हूँ अकेले, और चाची थी अभी तो चाची चली गई है आगे, मैं वीडियो बना रही थी। तो देखिए गांव नहीं दिख रहा अब, और आ गई हूँ मैं बहुत ऊपर। तो आज का जो व्लॉग है वो आधा हिंदी आधा गढ़वाली मिक्सअप बन रहा है, तो चलिए आज मिक्सअप भी बनाते हैं व्लॉग। मैं तो बहुत थक गई, सांस फूल रही है ऊपर चलते चलते, जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। हे गाइस, तो देखिए यहाँ से दिख रहा है थोड़ा सा गांव नीचे, ये देखिए थोड़ा सा ही दिख रहा है, और मैं आ गई हूँ बहुत ऊपर। पूरे यहाँ तो जंगल ही जंगल है अब ऊपर। ये रास्ते देखिए, यहाँ के बहुत खतरनाक रास्ते हैं ऐसे, जब घास लाएंगे तब तो। ये सीढ़ियाँ देखिए ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी छोटी छोटी, बहुत बारीक रास्ता है, बहुत पतला। अभी लोगों ने काट ही लिया है वैसे घास, और आगे काट भी रहे हैं लोग घास। और यहाँ पे चाची और बहन भी काट रहे हैं घास, यहाँ तो खाली हो गया है। काटो गाइस, देखिए ये हमारे आगे से चाची लगी है, और अब आ गए हम दूसरे साइड जहाँ से गांव दिखते हैं इधर के। और यहाँ से देखिए, मैं भी आपको दिखाती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, बहुत खतरनाक जगह है नीचे देखिए। हाय सांस फूल गई। तो ये देखिए ये नीचे गांव, डांग है, ये जामरी है, उधर कमडाई है, चैनपुर है, थापला है, पता नहीं कौन कौन से गांव। और ये वाला गांव दिख रहा है, ये है डाला गांव, ये देखिए बमराई खालनी दिख रहा है यहाँ से अभी। तो चलते हैं आगे, और
गाइस खतरनाक घास में जाना पड़ रहा है मुझे, रास्ता भी भूल गई यहाँ का मैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत तेज धूप लग रही है और नीचे काट रहे हैं दादी चाची लोग घास। और हमारा है सबसे नीचे जो कि हम काटते हैं भाभी लोगों का घास। तो खतरनाक रास्ते से जाना पड़ रहा है। ये देखिए ये नीचे गए तो सीधे नीचे ही लगा लो, बहुत खतरनाक हो रखा है रास्ता, संभल संभल के जाना पड़ रहा है। हैं गाइस मैं पहुंच गई हूँ खेत में। ये देखिए इस बार तो घास भी अच्छा नहीं हो रखा है, छोटा छोटा हो रखा है तो इसे काटने में बहुत टाइम लग रहा है। हे गाइस ये देखिए ये मेरी मम्मी है, मम्मी घास काट रही है। मैं अभी पहुंची हूँ और देखिए हम कहाँ पे आए हैं। ये है टावर, यहाँ पे दो टावर है। ये देखिए ये सबसे ऊपर जंगल में, और यहाँ का व्यू देखोगे ना आप मज़ा आ जाएगा। ये देखिए यहाँ का, यहाँ से तो मस्त दिखता है, इधर के बहुत सारे गांव भी दिखते हैं आपको। ये नीचे डांग दिख जाएगा और वहाँ पे ये है डांग, ये है जामरी, वो है कमडाई, ये है थापला, ऊपर चैनपुर है, यहाँ पे सोलाड है, ऊपर वाड़ा डांडा है, और ये है पनास, ये है यहाँ पे भमराई खाल का स्कूल दिख रहा है थोड़ा सा, ये देखिए ये वाला, और यहाँ पे डाला गांव दिख रहा है, और वहाँ पे बाड़ा दिख रहा है बाड़ा, और इधर चंदोली, पता नहीं कौन कौन से गांव दिख रहे हैं ये आगे तो मेरे को भी नहीं पता, बट यहाँ से व्यू बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत मस्त। काट रही है घास, एक ये वाला खेत हमारा और एक ये वाला है, इसके बाद ये दीवार है इस खेत की, और इसके बाद तो नीचे फिर देखो कितना खतरनाक है। तो इसके बाद नीचे जो है वो है भमराई खाल वालों का, और नीचे भमराई खाल वालों की गाय आ रखी है, यहाँ पे गाय बैले आ रखे हैं चलने के लिए। ये देखिए नीचे दिख रही है, और ये है हमारा लास्ट खेत, इसके बाद ये बॉर्डर लग गया है भमराई खाल का नीचे को। नीचे देखिए खतरनाक, और जो ये वाली रोड जा रही है, ये वाली रोड जा रही है कोरदार को। हे गाइस तो यहाँ पे मम्मी घास लगा रही है और मैं घास काट रही हूँ। अभी हमारा घास रह गया है एक दो दिन के लिए, तो हमें नीचे वाले खेत में भी जाना है, वहाँ घास सूख चुका है, वहाँ पे हमने खुम लगानी है अब, तो वहाँ चलते हैं अब हम और खुम लगाते हैं। हे गाइस तो हम चल दिए दूसरे खेत की ओर, अभी हम फिर आएंगे कल यहाँ पे, और अभी हम जा रहे हैं दूसरे वाले खेत पे क्योंकि हमने वहाँ घास लगाना है। तो चलिए कमर भी लग गई। ये देखिए मेरी माता श्री भी आ गई है घास का फंजू लेके, चलो हम आ गए हैं। और यहाँ पे रास्ता देखिए बहुत ही बेकार रास्ता है, बहुत डर लग रहा है, वैसे भी हमारे सर पे घास के फंजे भी है बड़े बड़े, और बहुत खतरनाक रास्ता है। ये देखिए हम पहाड़ वालों की लाइफ भी बहुत खतरनाक है यार, बहुत कुमल लगी खतरनाक। तो ये देखिए यहाँ पे हम आराम कर रहे हैं, और अभी निकालती हूँ मैं पहले, अभी हमने घास भी बांधना है फिर दोबारा लगेंगे, बट बहुत खतरनाक है। रेस्ट हो रहा है यहाँ पे। ये देखिए क्या खा रहे हो, एप्पल। वाह वाह आपने कहाँ से सीख लिया, सेब को एप्पल बोलते हैं हैं? अपने पोते से वेरी गुड। हमने लगा ली है खुम, और ये देखिए बहुत बड़ी हो गई है, और मम्मी कैसे आएगी अब, अभी हम करते हैं कुछ जुगाड़। तो ये है दुपट्टे, एक मम्मी का है एक मेरा है, तो अब इनसे ही हम करते हैं कुछ। मैंने ये दोनों चुन्नियों को बांध दिया है एक साथ में, और अब आएगी मम्मी, तो मम्मी दोनों साइड से पकड़ेगी, तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं है ना। Thank you.
गाइस तो लगा लिया हमने खुम, ये देखिए चलते हैं अब घर की ओर। पराल नहीं है वो, पराल बल्दी के बेगन है, शेगन खा सकना। हाँ ये गाइस अब हम घर जा रहे हैं, आगे से भाभी लग चुकी है और यहाँ के रास्ते बहुत ही गंदे हैं, तो अब मैं व्लॉग नहीं बना रही रास्ते के, अब मैं सीधा जा रही हूँ घर में, मिलती है आपको घर में। तो ये है हमारे पहाड़ की जो नारी शक्ति है, उनकी लाइफ की वो जाते हैं फिर भी वो मतलब उनको डर भी नहीं लगता, क्योंकि पहले पहले तो डर लगेगा पर बाद बाद में फिर सब कुछ हो जाता है, तो अब किसी को डर नहीं लगता, बट फिर भी लगा रहता है कि जब हम ऐसे रास्तों पे जाते हैं तो बहुत डर लगा रहता है, तो आपने देखा ही होगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। हे गाइस तो हम पहुंच गए हैं अभी अभी घर पे, और पापा ने आज खाना भी बना दिया है और चाय भी बना दी है, तो चाय पी लें तो अब भोजन ग्रहण करेंगे इसके बाद। तो आप लोगों को पता है पहाड़ी लोग जब तक चाय नहीं पियेंगे तब तक उनकी थकान दूर नहीं होती, इसलिए चाय तो चाहिए ही चाहिए चाय, तो चाय पी लें उसके बाद। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तब तक ब्लॉग।